हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल 24 कैरेट किचन। तो आज मैं आपको बताऊंगी ढाल के लड्डू बनाना। ये बीकानेर के बहुत ही फेमस लड्डू हैं और टेस्ट इनका अवश्यम है। मतलब वैसे तो ये राजस्थान में हर जगह मिलते हैं, लेकिन बीकानेर के ये स्पेशल हैं। तो मैंने ये रेसिपी हलवाई से सीखी है और आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए देखते हैं हमें इसको कैसे बनाना है। हाफ कप मैदा, हाफ कप लिया है मैंने गेहूं का आटा, वजन में ये 50-50 ग्राम है और कप में ये 100 ग्राम लिया है मैंने घी। यह मैंने देसी घी लिया है और 100 ml लिया है मैंने पानी। तो इसका हम एक घाल है वो तैयार करते हैं। जैसा कि नाम से ही जानते हैं घाल के लड्डू, तो इसका हमें एक अच्छा सा घाल है वो तैयार कर लेना है। हमें इसको 5 मिनट तक अच्छे से फेंटना है। ये लड्डू बहुत ही टेस्टी बनते हैं और राजस्थान के तो ये बहुत ज्यादा फेमस है। बीकानेर, सिरोही, पाली, जहां भी आप जाओगे आपको ये मिल ही जाएंगे। लेकिन अभी आप मिस कर रहे हो तो आप घर पे आप इनको आसानी से बना सकते हो। अब हम इसको 10 मिनट के लिए ढककर छोड़ देते हैं। हमारा बिल्कुल क्रीमी फॉर्म में आ गया है, ये गाढ़ है वो, तो इसको हम अब ढक के छोड़ देते हैं। तो 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको ट्रांसफर करते हैं एक कढ़ाई में। कढ़ाई हमने बारी तले की लेनी है। अब हम इसको सेकेंगे कंटिन्यूसली हिलाते हुए। मैंने लोहे की कढ़ाई ली है, पीतल की में भी आप बना सकते हो या कोई भी हेवी बॉटम की हो। हिलाने में कोई मुश्किल नहीं है, इसमें एक रवा सा बन गया है आप देख सकते हैं। हमें इस तरह इसको 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू सेकना होगा। बहुत ही नाइस अरोमा इसमें आ रही है और आप देख सकते हैं किस तरह एक एक दाना है वो खुल गया है। कढ़ाई हमें हमेशा बड़ी ही लेनी है ताकि हम आसानी से इसको सेक सकें। इसमें बहुत ही अच्छी अरोमा आने लग गई है, घी भी छोड़ दिया है। तो इस स्टेज में इसमें ऐड कर दूंगी 100 ग्राम मावा। मावे को भी हमें 5 मिनट तक सेक लेना है। मावा भी हमारा अच्छे से भून चुका है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रवा और कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। अब हमने हाफ कप शुगर, जो कि वजन में 100 ग्राम है, कुछ गुलाब की पत्तियां हैं और गुलाब जल में मैंने थोड़ी सी केसर भिगो दी है और गार्निश के लिए बादाम और काजू है। तो अब हम इसकी चाशनी है वो तैयार करते हैं। चीनी को एक पैन में डाल देते हैं, हाफ कप ही पानी डाल देते हैं, इसी में ऐड कर देते हैं गुलाब जल। आपके पास गुलाब जल नहीं हो तो आप रोज एसेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि इन लड्डुओं में रोज की फ्लेवर है वो बहुत अच्छी लगती है और ये मार्केट में भी रोज के साथ ही मिलते हैं फ्लेवर के। तो अब हम इसकी चाशनी तैयार करते हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे, तो चाशनी हमें एक तार की तैयार करनी है। जब चाशनी में से लास्ट में एक तार निकलने लग जाए तो चाशनी, तो देखिए हमारी एक तार की चाशनी हो तैयार है। मैं आपको हाथ से दिखाती हूँ कि चाशनी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। इस तरह चेक कीजिए जब तार निकलने लग जाए।
थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं चाशनी को। पिंच ऑफ मैं येलो कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। चाशनी हमारी ठंडी हो चुकी है और मिक्सर भी हमारा ज्यादा गर्म नहीं है, तो अब मैं इसको ऐड कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लेना है इसमें। आप देख सकते हैं कितना शानदार रवा है इसमें तैयार है, मतलब दानेदार बहुत बढ़िया लड्डू बने हैं हमारे, तैयार हुए हैं। थोड़ी सी मैं गुलाब की पत्तियां ऐड कर देती हूँ। मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है, तो अब मैं इसके लड्डू बनाती हूँ। जो भी खाएगा आपसे पूछे बिना नहीं रहेगा कि आपने कैसे बनाया, इतना अमेजिंग टेस्ट है इनका। तो इस तरह हमें सारे लड्डू है वो तैयार कर लेने हैं। आप चाहो तो अंदर इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें मेनली है वो रोज का है वो फ्लेवर आता है। तो फ्रेंड्स हमारे लड्डू तैयार हैं। तो देर किस बात की, घर पे ही पड़ा है सारा सामान, बना डाली आज इसको। आप देख सकते हैं कितना जबरदस्त दाना है वो हमारे लड्डुओं में बना है, और मैं तोड़ के भी आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। तो आप इनको अवश्य बनाइए फ्रेंड्स, और मेरे को बताइए आपके लड्डू कैसे बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग।